प्यार करते हैं उसको, यू नो, अगर कभी बहुत बड़ी मैच होती है तो लोग काम छोड़ देते हैं। तो इस गाने में एनर्जी ले आना बहुत ज़रूरी था, और वैसे भी जो जिस गाने में कुछ, चाहे वो गाना हो, चाहे वो कुछ पोइट्री हो या लिरिक्स हो, जहाँ इंडिया लव्स आ जाता है ना, तो वो अपने आप में मेरे लिए तो बहुत बड़ा हो जाता है। चाहे वो एक स्पोर्ट्स एंथम हो, चाहे वो एक प्रमोशनल गाना हो, तो हम हमेशा जब भी कोई भी गाने में इंडिया आता है तो उसको हम उस, वैसे तो हर गाने में हम जी जान लगा देते हैं, पर इंडिया के जब आ जाता है तो और ज़्यादा यू नो मेहनत, और ज़्यादा लगन, और ज़्यादा रूह, और वो सब शामिल हो जाता है गाने में। सो इस गाने में वो सब है, और उसके अलावा ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ यूथ इन द सॉन्ग एज वेल, बिकॉज इट्स मेरा पार्टनर सुलेमान, मेरा भाई, वो आज है नहीं, वो अमेरिका में। हमने इस गाने को हमने कंपोज किया, और इसके लिरिक्स डीडीबी मुद्रा ने लिखा, एक एजेंसी है, उन्होंने लिखा है इस लिरिक्स इस गाने का। और आईपीएल हर सीज़न ज़्यादातर उसका जो म्यूज़िक होता है वो हम ही करते हैं, शुरुआत हमसे भी, और बीच में भी हमने एक गाना किया था जिसका नाम था ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, और लास्ट ईयर इंडिया का त्यौहार वो बहुत मशहूर हुआ था, उसको भी हमने कंपोज़ किया था। इस साल थीम ऐसा था कि इंडिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, इनटॉलरेंस, और यू नो लोग खुश नहीं हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं उसमें नहीं शामिल होगा, बट उसके बारे में जिक्र नहीं करता हूँ, बट क्रिकेट एक ऐसा माध्यम है जो इंडिया को एक कर देता है, इसलिए इस गाने का थीम, इस क्रिकेट आईपीएल सीजन का थीम था एक इंडिया हैप्पी वाला। तो जब भी इंडिया क्रिकेट खेलता है, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे कुछ भी हो, तो एक तरीके से हम एक हो जाते हैं। हमारे बीच जो भेदभाव है, जो प्रॉब्लम्स है, जो जितने भी प्रॉब्लम्स है हमारे बीच में, वो सब हम उसको भूल जाते हैं इस पीरियड के दरमियान। तो ये दिस वॉज द थीम, और हमने जब ये इस जब ये हम डिस्कस कर रहे थे तो मुझे लगा कि ये इतना कमाल का थीम है, इसमें इतनी इसको इतना सोच के इसको बनाया हुआ है, और क्यों ना हम इसमें जी जान लगा दें, इसमें इस तरह से इसका गाना करें कि वो जब आए लोगों को सही में वो एक हैप्पी वाली फीलिंग दे दें, हैप्पी वाली फीलिंग। इसलिए इसका ये आईपीएल का थीम था एक इंडिया हैप्पी वाला। जब ये गाना हमने बनाया तो हमने ऐसा सोचा कि यार गाना तो रेडियो पे बज रहा है, हर मैच के पहले बज रहा है, हर मैच के बीच बज रहा है, लेकिन इसका कोई वीडियो नहीं है। आजकल लोग म्यूज़िक देखते हैं, सुनते तो है ही पर ज़्यादातर देखते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक अच्छा सा वीडियो बनाएं। गाना हम कंपोज कर रहे थे तो राज, जो बहुत ही इसकी आवाज़ बहुत कमाल की है, आप सुनेंगे, अब सुन भी रहे हो आप, तो वापस सुनते हैं ज़रूर, मैं थोड़ा बोल लूँ। तो राज ने गाना गाया इसको और बहुत अच्छी तरह से गाया, और मेरे बहुत अच्छे मित्र है शक्ति, जो बहुत कमाल के डायरेक्टर है, और हमने काफ़ी काम किया है साथ में, कई वीडियोस शक्ति ने बनाए हैं हमारे लिए। सो आई सेड यू नो ये गाना इतना अच्छा हो गया और इतना मशहूर है, रेडियो पे इतना बज रहा है, टीवी पे इतना बज रहा है, लोगों को इसकी हैप्पी वाली फीलिंग देखनी चाहिए, एंड शक्ति केम अप विद अ फैंटास्टिक आइडिया, और हमने कहा कि चलो फिर हम खुशनसीब हैं कि लोग हमें एज म्यूजिशियंस, एज कंपोजर्स, हमें स्पोर्ट्स के साथ में बहुत ज़्यादा हमें कनेक्ट करते हैं। और इसका वजह ये भी है कि हमने कई साल पहले एक गाना किया था जिसका नाम था चक दे इंडिया, जो एक तरीके से हमारे देश का एक स्पोर्ट्स एंथम बन गया है, और कई सारे ऐसे जैसे बैडमिंटन लीग का भी गाना हमने बनाया है, और आईपीएल के गाने हम हर साल बनाते ही हैं, आईएसएल फुटबॉल का भी गाना हमने बनाया था। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि लोग स्पोर्ट्स और म्यूज़िक जब की बात आती है तो सलीम सुलेमान का नाम, भाई कॉर्पोरेट्स आपको टच करें इस तरह की, सिर्फ कॉर्पोरेट्स नहीं, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं लोग भी हमें टच करते हैं। आपको शायद इंडिया चक दे इंडिया गाना शायद पसंद होगा, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज वो गाना हमारा नहीं रहा,
वो पूरे देश का हो गया. सो आई थिंक हमें बहुत खुशी होती है जब हम एक स्पोर्ट्स का कभी गाना बनाते हैं और वो मशहूर हो जाता है, लोग उसको पसंद करने लगते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलती है. और जैसे मैंने कहा, ज़्यादातर जहाँ पे ऐसा गाना बनता है जहाँ पे इंडिया, जहाँ इंडिया लफ्ज़ शामिल हो जाता है, इंडिया का नाम शामिल हो जाता है, तो वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, हमें बहुत खुशी देता है. जो एक एक छोटी लड़की हु हैपन्स टू बी द फर्स्ट इन फर्स्ट वुमन फर्स्ट गर्ल यंगेस्ट गर्ल सॉरी नॉट फर्स्ट सबसे यंगेस्ट गर्ल है जो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर चुकी है. वो एक लड़की, इट्स अ ट्रू स्टोरी, एक लड़की जो तेलंगाना से बिलोंग करती है, ये उसकी कहानी है. उसका नाम है पूर्णा. और ये फिल्म के निर्देशक है राहुल बोस, जो फिल्म में एक्टिंग भी कर रहे हैं, और हम इसका म्यूजिक कर रहे हैं. ये हमारी नेक्स्ट फिल्म है. श्योर यू कैन स्पीक टू एनीबडी प्लीज. थैंक यू. तरह का फील है और आज की जो यूथ है, मेरे एज ग्रुप के जो लोग हैं वो और बाकी लोग भी इससे काफ़ी कनेक्ट कर रहे हैं. तो जब गाना बजता है तो काफ़ी अच्छा लगता है. इट्स प्लेइंग बिटवीन मैचेस, इट्स प्लेइंग ऑन रेडियो, एंड नाउ दैट वी डन द वीडियो विल बी ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक इज वेल. तो एक आई थिंक इसका जो कनेक्ट है वो काफ़ी ऑलरेडी है, और आज जब हम वीडियो रिलीज कर रहे हैं तो उससे और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा. एज अ सिंगर यू फील दिस इज अ सलीम सुलेमान जी जैसे? एब्सोल्युटली, मैं वही कहने वाला था कि मेरे लिए ये गाना इसलिए इतना स्पेशल है बिकॉज ये गाना सलीम सुलेमान का की कॉम्पोजिशन है, और मैं इनके साथ जुड़ा हुआ पिछले 5 सालों से. मैं आई एम असिस्टिंग दैम, आई एम यू नो मैं म्यूजिक प्रोडक्शन में उनको असिस्ट करता हूँ, रिकॉर्डिंग्स में, एंड ऑफकोर्स जितने भी सलीम सुलेमान लाइव के कॉन्सर्ट्स होते हैं मैं वहाँ भी शामिल होता हूँ एज अ सिंगर. तो इसके पहले भी जब हमने गाना किया था साथ में, वो इट वॉज कोक स्टूडियो, उसका नाम था पीर मड़ावण चलिया, विच वॉज इंडिपेंडेंस डे स्पेशल हमने किया था लास्ट ईयर. तो वहाँ भी हमने जो गाना था, इट स्पोक अबाउट इंडिया, एंड आफ्टर दैट नाउ एक इंडिया हैप्पी वाला भी एक देश के बारे में गाना है. ऑफकोर्स इट्स स्पोर्ट्स रिलेटेड, बट वेन एवर एनी थिंग दैट वी डू एंड इट्स अबाउट इंडिया, तो वो फीलिंग बहुत स्पेशल होती है. और ये गाना है, इट्स वेरी वेरी, ये कई सालों से फीचर करते आ रहे हैं काफ़ी वीडियोस में. आपने कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें खुद फीचर करते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रेजेंस है, जो स्क्रीन प्रेजेंस है, वो बड़ी कमाल की है. ये बहुत सारे स्टेज शोज भी करते हैं, तो जो ऑडियंस के सामने जो उनकी प्रेजेंस है वो बहुत ही पावरफुल है. तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इन्हीं को वीडियो में फीचर किया जाए, और क्योंकि ये इन एक तरह से एक मैस्कॉट बन चुके हैं यू नो इस तरह के एंथम्स के लिए, तो इतने सालों से जो करते आ रहे हैं. सो वी थॉट व्हाई नॉट द सेम टीम शुड उन्हीं को आगे हम लेकर आए इस वीडियो में. ये वीडियो का एनर्जी है जो इस देश में है, एक यूफोरिया है क्रिकेट का, तो हमने सोचा कि उस यूफोरिक मूड को कैसे कैप्चर किया जाए वीडियो के जरिए. तो एंड वी हैड सलीम सुलेमान एंड राज, तीनों को हमें उसमें कैप्चर करना था, क्रिकेट के एलिमेंट्स ले आने थे, तो हमने उन सबको एक आइडिया के तरफ बुना और एक सीमलेस वीडियो, मतलब बिना एक कट भी, पूरे वीडियो में कोई कट नहीं है. तो एक मिनट का एक नॉन स्टॉप वीडियो है. तो जैसे कई साल पहले आपने शंकर महादेवन का वीडियो देखा होगा ब्रेथलेस, तो हमने उसी को एक नए टेक्निक से, जो नई टेक्नोलॉजी है उससे यूज़ करके हमने इस तरह का वीडियो बनाया कि सीमलेस वन मिनट 5 सेकंड्स का एक वीडियो हो जो नॉन स्टॉप एक फ्लो दे. क्योंकि क्रिकेट की जो एनर्जी वो वैसी है, IPL या कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट एक बार शुरू होता है सब लोग बोलते हैं बस चलते ही रहे, रुके ना. अभिनेता वगैरह ये सब तो एक्टिंग अपने आप में एक काफ़ी जुड़ा हुआ है, ये दोनों आर्ट फॉर्म कला दोनों जुड़े हुए हैं. बट म्यूज़िक एक ऐसा समंदर है जैसे उसमें पहले डूब तो जाए पूरा, अभी डूब रहे हैं लेकिन और डूबना है. सो एक्टिंग इज़ समथिंग विच आई मीन आई लव डूइंग इट. बहुत मज़ा आया मुझे पिछले 2-3 महीने पहले जो लव शॉर्ट्स जो रिलीज़ हुई थी, मैंने काफ़ी कुछ सीखा उससे भी. पर जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है एज अ म्यूजिशियन, एज अ कंपोज़र, वो एक्सपीरियंस मैं कहीं ना कहीं अपने एक्टिंग में ले आया हूँ. इतने अच्छे अच्छे कमाल के अभिनेता जैसे बच्चन साहब है, इरफान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, इन सब की फिल्मों का म्यूज़िक कहीं ना कहीं हम शामिल थे उनके एक्टिंग करियर्स में, तो उनको फॉलो किया है, उनसे कई काफ़ी कुछ सीखा है. और मेरी खुशनसीबी है कि जब हम वीडियोस करते हैं, जैसे शक्ति के साथ वीडियोस करते हुए कंफर्ट जोन होता है,
और एज एन आर्टिस्ट, एज अ म्यूजिशियन, जो फ्रीडम हमें मिलती है एक्ट करने की, हमारा खुद का ही म्यूज़िक, खुद का जो गाना है उसको ही एक्ट करना करने का जो एक फ्रीडम मिलता है, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ये चीज़ मैं ज़रूर अपने दोस्तों जो डायरेक्टर्स हैं उनको ये क्रेडिट दूंगा कि हमें वो यू नो उतना फ्रीडम मिलता है, इसलिए हम कुछ आगे कर सकते हैं, ज़रा भी नहीं। मैं समझता हूँ कि हर कंपोज़र में हर तरह की क्वालिटी होती है। वो एक रोमांटिक गाना कर सकता है, एक एक्शन गाना कर सकता है, एक ड्रामेटिक गाना कर सकता है, एक सेपरेशन का गाना कर सकता है, एक सूफी का गाना कर सकता है। म्यूज़िक एक फीलिंग है, एक भावना है, और वो हर म्यूजिशियन में कहीं ना कहीं कूट कूट के भरी हुई है, जो सक्सेसफुल है वो। और अगर आप एक कंपोज़र के, वैसे भी एक फिल्म में चार या पांच ही गाने होते हैं, और हमने तो डिसाइड किया कि हम ये नहीं कर सकते, बिकॉज फिल्म में एक फीलिंग, जो एक होमोजीनियस फीलिंग होती है कि एक ही, चाहे वो गाना जैसे रब ने बना दी जोड़ी हो, हौले हौले और डांस पे चांस और तुझमें रब दिखता है और हमें राही प्यार के, सब अलग अलग गाने, सबका अलग फीलिंग है, अलग इमोशन है, अलग सिचुएशन है, पर कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्मिटी है साउंड में, और वो कंपोज़र ही दे सकता है आपको, यानी एक ही कंपोज़र दे सकता है। अलग अलग कंपोज़र आपको अलग अलग यूनिफॉर्मिटी उसमें बदल जाती है। और तो और स्क्रीन क्रेडिट एक फिल्म में एक कंपोज़र की एक पहचान रहती है। रब ने बना दी जोड़ी, सलीम सुलेमान, चक दे इंडिया, सलीम सुलेमान, कल हो ना हो, शंकर एहसान रॉय, दिल से ए आर रहमान, एक फिल्म की एक पहचान हो जाती है कंपोज़र के साथ। फिर अगर वो अलग अलग कंपोज़र होता है तो वो बिखर जाता है, और उसके अंदर जो हमारी लगन भी होती है एज अ कंपोज़र, यार मैं तो एक ही गाना कर रहा हूँ, छोड़ना यार, एक हो जाता है एक फीलिंग। हम वी आर ऑल ह्यूमंस, हम सब इंसान हैं और हम सब फील करते हैं एक तरीके से। तो इट्स ट्रस्ट कम हुआ, सॉरी, हैप्पी वाला हो, एक इंडिया हैप्पी वाला हो, 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 हो प्यार वाला, मुस्कान वाला, हो एक इंडिया हैप्पी वाला, हो एक इंडिया हैप्पी वाला।